Francis, get on. हेलो फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को हम लोग सब मनाते हैं इंजीनियर्स डे। तो आप सभी को इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैनी मैनी हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों, उनके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप लोग को दे रहा हूं अपने इस वीडियो में। ये ट्रिब्यूट है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि हमारे भारत के पहले इंजीनियर थे। 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने 15 सितंबर, जो कि उनकी बर्थडे है, उसको इंजीनियर्स डे घोषित किया, ऑफिशियल इंजीनियर्स डे। और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 100 साल से अधिक अवधि तक जीवित रहे और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए बनाए। भारत रत्न अवार्ड उनको 1955 में दिया गया। सन 1903 में उन्होंने बांध का पानी रोकने के लिए स्टील गेट्स का निर्माण डिज़ाइन किया, और जिसे कि ब्लॉक सिस्टम कहा गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक बांध का पानी रोकने के लिए यूज़ हो रहा है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि मैसूर, जिसे कि अब कर्नाटक कहा जा रहा, वहाँ के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और विश्वेश्वरैया जी को हम आधुनिक भारत के विश्वकर्मा जी के सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। इस वीडियो के अंत में अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इन्होंने अंग्रेज़ों के समय में एक ट्रेन में पहले से अपनी इंजीनियरिंग का परिचय देते हुए ट्रेन को रोका था, जबकि आगे पटरी टूटी हुई थी। तो इस वीडियो के जरिए अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ, इस वीडियो में पूरा देखिएगा। '61 में ये 15 सितंबर को पैदा हुए थे। और मोक्ष गुंडम नामक स्थान पर आकर के बस गए थे, इसलिए इनके नाम के आगे मोक्ष गुंडम लिखा जाता है। मैसूर सरकार की मदद से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे भेजा इन्होंने, और पुणे से इन्होंने इंजीनियरिंग करी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि इन्होंने मैसूर और अब पूरे देश के लिए स्टार्ट किए, अभी तक चल रहे हैं, इसीलिए इनको कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं। इनको मैसूर का चीफ इंजीनियर भी नियुक्त किया गया, क्योंकि मूसा और ईसा नाम की दो नदियों को इन्होंने बांध के जरिए रोकने की खाका तैयार किया था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में किस्सा और मशहूर है। कुछ भारतीयों को अमेरिका भेजा गया वहाँ की फैक्ट्रीज़ की कारण प्रणाली देखने के लिए। तो वहाँ के जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने 75 फुट ऊपर सीढ़ी पर जाकर कहा कि अगर आपको कुछ समझना है तो ऊपर चढ़ना होगा। तो काफ़ी लोग सीढ़ी की ऊंचाई से पीछे हट गए, लेकिन एक डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे कि जो सीढ़ी पर चढ़े, और तीन अन्य लोग ही उनके साथ ऊपर चढ़े और उन्होंने देख करके उसको पूरा इंस्पेक्ट किया। इनको सर MV के नाम से भी जाना जाता है।
अब मैं बात करता हूँ उस कहानी का जो कि इनके बारे में मशहूर है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। ट्रेन में सभी अंग्रेज़ थे, कुछ भारतीय भी बैठे थे और ट्रेन अपनी पूरी गति से जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति ने जो कि भारतीय था, थोड़ा गरीब सा लग रहा था, उसने आगे बढ़ करके जंजीर खींची और ट्रेन रुक गई। जब गार्ड ने पूछा कि ट्रेन की जंजीर किसने खींची, तो उन्होंने कहा कि मैंने खींची। तो पूछा क्यों खींची, तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ पटरी टूटी हुई होने की आवाज़ मुझे मिला है ट्रेन की आवाज़ सुन करके। जब आगे जा करके देखा गया तो वाकई पेट की पटरी टूटी हुई थी और यदि ट्रेन न रुकती तो हज़ारों यात्री की जान चली जाती। तो ऐसे थे हमारे इंजीनियर विश्वेश्वरैया। उसके बाद सब उनके इंजीनियरिंग का लोहा मान गए। आज भी हम उनको नमन करते हैं और अभियंता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ओके, बाय।